मैं आशिक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं नेपाली भाषा के ऊपर, जो कि रिलेशंस में है। रिलेशंस यानी कि रिश्तों को क्या कहते हैं इस भाषा में, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा आज जो बेसिक रिश्ता है इस चीज़ को मैं आपको जानकारी दूंगा, कौन से रिश्ते को क्या बोला जाता है। इस चीज़ को अगर आप समझ गए तो आपको नेपाली बोलने में बहुत ही आसान होगा। आप विजिट करने आ रहे हैं या आप बिजनेस पर्पज से आ रहे हैं तो इस भाषा को, मतलब बेसिक जो भाषा बोला जाता है, इस चीज़ का नॉलेज होना आपको बहुत ज़रूरी है। इसके बिना आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। कौन क्या बोला है ये तो आप समझ लेंगे, लेकिन आपको क्या बोलना है ये समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बहुत ही आसान है नेपाली भाषा समझना है, बस थोड़ा सा ज़रूरत है आपको इस चीज़ को समझना। समझ जाएंगे, उम्मीद कीजिए, ट्रस्ट में आप नेपाली बोल सकेंगे, आप समझ पाएंगे। मैं 2 से 3 वीडियो आपको दे दूँगा इस भाषा के ऊपर, ताकि आपको बोलने में और समझने में आगे कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले अपने घर से शुरुआत करते हैं, अपने घर में मेंबर्स लोग को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि खुद को मौ बोलिएगा, अपने आप को मौ, आपसे बड़े हैं तो उसको दाई, बड़े भैया को दाई, छोटे भाई को भाई, दाई भाई। ठीक, अब बहन के लिए बड़ी बहन को दीदी, छोटी बहन को बहिनी, दीदी बहिनी। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। आगे आपके पिताजी, पिताजी को बुआ, माताजी को आमा, पिताजी को बुआ, माताजी को आमा। अब आता है चाचा चाची। ठीक है, चाचा चाची के लिए आपको काका काकी, यानी कि चाचा के लिए काका, चाची के लिए काकी। इसमें भी बड़े चाचा छोटे चाचा जो होते हैं तो ठूलो काका, बड़े के लिए ठूलो शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ठूलो काका। सानों के लिए, मतलब छोटे के लिए, कांछा काका। अब इसमें साइला, माइला, जेठा, कहिला बहुत सारा है, आपको मतलब उतना डीपली नहीं जाना है। अभी बेसिक चीज़ को समझिए, चाचा चाची को काका काकी, उसमें बड़े और छोटे आ गए तो ठूलो सानो, ठूलो सानो, बड़े को ठूलो, छोटे को सानो। अब आते हैं दादा दादी के ऊपर। तो दादा को हजूर बुआ, हजूर बुआ, दादी को हजूर आमा, यानी मतलब आमा और बुआ जो बोल रहे हैं उसके आगे आपको हजूर लगा देना है। हजूर बुआ मतलब दादा, हजूर आमा मतलब दादी। ठीक है, अब आप यदि शादीशुदा होंगे तो आपके बाल बच्चे भी होंगे, तो बाल बच्चे में आप बेटे को छोड़ा बोलिए और बेटी को छोड़ी, छोड़ा छोड़ी। मान के चलिए आप दादा दादी बन रहे हैं, तो ऐसे में पोते को क्या बोलिएगा, तो ये भी जानना जरूरी है। पोते को नाती और पोती को नातीनी, नाती नातीनी, नाती नातीनी। ऐसा कि मेरे वीडियो के एनालिसिस में 25 से 30 साल के लोग ही देखते हैं मेरा वीडियो, तो 25 से 30 साल लोग दादा दादी बनना लगभग मुश्किल है, नामुमकिन नहीं कह सकते, लेकिन मुश्किल है दादा और दादी बनना। रिश्ते में मतलब अगल बगल के आसपास पड़ोस में पोता पोती होंगे तो आपको नेपाली में बोलना है तो बोल दीजिएगा, नाती नातनी बोल दीजिएगा, काम चल जाएगा आपका। अब बात करते हैं पड़ोसी के ऊपर, अपने पड़ोसी को जो मतलब आसपास पड़ोस में रहते हैं तो उसको छिमेकी, छिमेकी, छिमेकी बोलिए। अब आते हैं अपने मम्मी के मायके की तरफ, यानी कि अपना ननिहाल, तो ननिहाल के लोगों को क्या बोलिएगा। सबसे पहले आते हैं नाना और नानी। तो नानी के खंड में आपको हजूर आमा लगेगा, नाना के खंड में आपको हजूर बुआ लगेगा, हजूर बुआ, हजूर आमा, जो आप दादा दादी को बोल रहे थे वो सेम चीज़ यहाँ भी बोलना। तो फिर बात करते हैं मामा और मामी के ऊपर। तो मामा को मामा ही बोलिए और मामी को माई जू। मामा और मामी के बाल बच्चे को आप भाई और बहन के लिए, बड़े को दाई और छोटे को भाई, इस तरह से मामा के बेटे को आप दाई और भाई बोल सकते हैं, और बेटी है तो उसको दीदी और बहनी बोल सकते हैं। ठीक, अब और आते हैं बहन की तरफ। तो बहन के तरफ में जैसे कि दीदी का है, अगर आपका दीदी का शादी हो गया है तो दीदी का जो पतिदेव होंगे जिसको बहनोई बोलते हैं, तो बहनोई को आप भिनाजू बोलिएगा। वही आपका अगर छोटी बहन का अगर पति है तो उनके लिए आपको ज्वाई बोलना होगा, ज्वाई साहब, ज्वाई साहब। बहन के सास को सासू माँ, ससुरा बा, सास को सासू अमा और बहन के ससुर को ससुरा बा। आते हैं बहन के बेटे बेटियों के ऊपर। जैसा कि आप हिंदी में इस चीज़ को भांजा और भांजी बोलते हैं, सेम चीज़ यहाँ भी लागू होता है, अपने बहन के बेटे बेटियों को भांजा और भांजी बोल सकते हैं। ये रहा रिश्तों का कंसेप्ट। ठीक है, आप अपनी पत्नी को श्रीमती बोल सकते हैं, बूढ़ी बोल सकते हैं, और बेसिकली आप सड़क पे भी जो आपसे बुजुर्ग चल रहे हैं आप उसको काका बोल सकते हैं, अंकल बोल सकते हैं, जो भी आपके मतलब
बिना पहचान वाले हैं उसको, मतलब उम्र में कुछ ज़्यादा बड़े हैं तो आप काका बोलिए, अंकल बोलिए, इंग्लिश में अंकल एक्सेप्टेड है, एक्सेप्ट कर सकते हैं लोग, ठीक है। अगर थोड़े से बड़े लग रहे हैं आपको तो उसको आप भैया नहीं बोल करके दाई बोलिएगा, भैया बोलेंगे तो गुस्सा हो जाएंगे, ऐसा लगेगा उनको फील होगा। यहाँ पर है ना बिहारियों को मतलब भैया बोला जाता है तो वो अपने आप को बिहारी समझेगा, गुस्सा हो जाएगा। भैया मत बोलिएगा, भूल कर भी भैया मत बोलिएगा, आप दाई बोलिए, दाई चलेगा, दाजू चलेगा, दाई या दाजू इन लोगों से कोई बोल सकते हैं, बेसिकली आप दाई बोलिए, दाई ठीक रहेगा, ठीक। और औरतों के लिए मैं बता रहा हूँ, और औरत ज़्यादा बूढ़ी है आमा बोलिए, उससे कम बूढ़ी है मतलब जो मतलब चल फिर कर सकती है तो उसको आप आंटी बोल सकते हैं, काकी बोल सकते हैं, आंटी बोलना चाहे आंटी बोल सकते हैं, काकी बोलना चाहे काकी बोल सकते हैं, बेटर होगा आप आंटी बोलिए। तो अब थोड़े कम उम्र की महिलाओं को, जैसे कि आपसे थोड़ा सा बड़ा है तो उनको आप दीदी बोलिए, दीदी बोलिएगा, गुस्सा नहीं होगी। और छोटी है तो बहनी बोलिएगा, दीदी बहनी, छोटी को बहनी और बड़े को दीदी। तो लगभग यही रिश्ता सब होना चाहिए, बेसिक रिश्ते यही है। अगर मैं कुछ छोड़ रहा हूँ, कुछ छूट रहा है, ऐसे मुझे पता है, मतलब कुछ रिश्ते मैं छोड़ रहा हूँ जानबूझ कर, क्योंकि उसको उस चीज़ को आपको ज़रूरत ही नहीं है, तो मैं वहाँ तक आपको क्यों घसीट कर लेकर जाऊँ। तो उम्मीद है आप ये जो रिश्ते के ऊपर बनाया गया वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा लाल वाला बटन दबा के, उसके बगल में घंटा का निशान आएगा उस घंटा को दबा दीजिए, तक जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करो तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।